जांजगीर चांपा जिला के विकास खंड नवागढ़ क्षेत्र में सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा सरपंचों के मानदेय में अनियमितता को लेकर सीओ नवागढ़ दिनेश दास महंत को शिकायत किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि सरपंचों का मानदेय मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह और पंचों का मानदेय 100 रुपए प्रतिमाह क्यों भेजा गया है, जबकि जांजगीर चांपा जिला के अन्य जनपदों में सरपंचों का मानदेय 2000 रुपए और पंचों का मानदेय 200 रुपए प्रतिमाह के दर से भेजी गई है, जिसका लाभ जनपद पंचायत नवागढ़ के सरपंचों एवं पंचों को नहीं मिल रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों द्वारा नवागढ़ सीओ दिनेश दास महंत से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा, ये सरपंच और हमारे बीच में आपस का मामला है, आपको इस मामले में जो छापना है जो लिखना है वो कर सकते हैं। इस संबंध में उप संचालक पंचायत अभिमन्यु साहू ने बताया कि सरपंच संघ से मेरी बात हो चुकी है, उनके जायज मांगों पर विचार किया जाएगा और जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई भी होगी। मैं नूतन प्रसाद साहु सरपंच ग्राम पंचायत सरपो विकास खंड नवागढ़ जानकी। आज कल हम लोग जनपद पंचायत सीओ से मिले थे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से, उन्होंने कहा था कि 500 रुपये प्रतिमाह आप लोगों को भत्ता दिया जाता है, अन्य जनपद में जबकि 2000 हो चुका है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कल हम लोग मिले थे और शाम को ही पैसा तक 500 रुपये के हिसाब से डलवा दिए। इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन किए, उनको ज्ञापन दिए हैं, मांग किए हैं कि अन्य ब्लॉक में 2000 दिया जाता है महीने में, तो नवागढ़ को क्यों छोड़ा जा रहा है। जी बताना चाहेंगे कि सीओ के द्वारा किस प्रकार से आपको आश्वासन दिया गया? मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय ने कहा है कि सप्ताह के अंदर मैं जानकारी दूंगा, और हम लोग ये बोले हैं कि एक हफ्ते बाद यदि जानकारी नहीं देंगे तो एक हफ्ते बाद हम लोग जनपद पंचायत नवागढ़ में ताला